वक्त मार्केट पर क्या रेंज देख रहे हैं प्राइमरीली, और साथ ही आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी? गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो देखिए, निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर हायर साइड पे, और बैंक निफ्टी में भी प्रेशर बना हुआ है बिकॉज हम एक्सपायरी वीक में, और हम देखें कि जिस तरीके से कॉल राइटिंग बनी है 16,600, 700, 800 ये स्ट्राइक पे, तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम बिताएगा. बट ऑन द अदर हैंड हम देखें 16,500, 16,400 की स्ट्राइक पे काफ़ी एग्रेसिव पुट राइटिंग है, तो मार्केट में हमें लगता है एक छोटा सा ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड सेटअप रहेगा अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16,400 से लेकर 16,650 ये एक रेंज में मार्केट यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखना चाहिए. और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 36,800 एक मेजर हर्डल है. जब तक वो लेवल अभी क्रॉस नहीं होंगे थोड़ा यहाँ पे प्रेशर हायर साइड पर जरूर देखने को मिलेगा. बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो 36,200 से 36,000 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है. तो दोनों ही इंडाइसेस पर हमें लगता है एक रेंज में ट्रेड होते हुए दिखेगा. बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी क्योंकि ओवरऑल ट्रेड सेटअप जो बने हुए हैं दोनों इंडाइसेस में बुलिश साइड के ही हैं, और हमें लगता है कि 16,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है. अभी जब तक ये लेवल वॉयलेट नहीं होंगे कोई भी डिप मिलती है वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए. और बैंक निफ्टी में भी 36,200 और 36,000 ये लेवल जब तक इंटैक्ट है कोई भी डिप मिलती है तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में. आज के लिए स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहे हैं उसमें से पहला स्टॉक सीमेंट सेक्टर्स में रैमको सीमेंट पे हम यहाँ पे बाय सजेस्ट करेंगे क्योंकि जिस तरीके से इसके वीकली चार्ट बनते हुए दिख रहे हैं हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिख सकता है. तो रैमको सीमेंट हमारा पहला स्टॉक होगा जिसपे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 715-720 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है. 685 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है. दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट का. काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, और आज भी देखें तो स्टॉक में काफ़ी अच्छी रिकवरी लोअर साइड से बनते हुए दिखी. और अब ये देखें वीकली सेटअप के हिसाब से तो ऑलमोस्ट ये 6th-7th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं. स्टॉक अब अपने सारे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है. तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन एशियन पेंट पे बनते हुए दिखी, और हमें लगता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब आगे क्रॉस करते हुए दिखना चाहिए. 3190 से 3210 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एशियन पेंट में आते हुए दिख सकते हैं. तो एशियन पेंट बाय करने की सलाह रहेगी 3100 के स्टॉप लॉस से. और तीसरा स्टॉक है कैश सेगमेंट में, उसमें हमें सिम्फोनी का सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है. स्टॉक में आज काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला, और जिस तरीके से आज स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है हमें लगता है सिम्फोनी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है. अपसाइड में हमें लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 1020 से 1030 तक के, तो 940 के स्टॉप लॉस से सिम्फोनी भी बाय करने की सलाह रहेगी. एमपी आपने देखा कि एक सीमेंट का स्टॉक राजेश के उसमें मैं आपको बताऊं कि हम लोग बात कर रहे थे कि 15 डे की विंडो है अपने पास मॉनसून वाली, इसके अंदर आप ले लीजिए, रिजल्ट के आसपास ले लीजिए. ये 15 दिन की विंडो गई तो फिर नेक्स्ट 6 महीने आपको मिलेंगे नहीं. अल्ट्राटेक ग्रासी में सब डे अच्छा था. इंटरडे देखिए आप, जेके लक्ष्मी का दिखाइए, जेके लक्ष्मी, इंडिया सीमेंट और अल्ट्राटेक. ये देखिए रैमको सीमेंट ऑलरेडी डेज हाई पे, सीमेंट में काम शुरू हो चुका है वेदर वी लाइक इट और नॉट. लेकिन सीमेंट में जेके सीमेंट डेज हाई, इंडिया सीमेंट डेज हाई, अल्ट्राटेक भी लेके आइए, ग्रासिम भी लेके आइए, अंबुजा भी, इसमें काम शुरू हो चुका है, नो डाउट अबाउट इट. देख रहे हैं आपको कौन सा पसंद आ रहा है? इसमें से अल्ट्राटेक का पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है, और रैमको सीमेंट तो राजेश जी ने दिया. राजेश जी फिर एक काम आप और कर सकते हैं, पर जरा अल्ट्राटेक भी चेक कर लीजिए, ये आपको कितना ठीक लगता है? नहीं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा था स्टॉक में लास्ट वीक में, और जिस तरीके से थोड़ा सा कूल ऑफ एक्शन जरूर हुआ है, लेकिन इसके भी ओवरऑल सेटअप देखें तो ऑलमोस्ट अल्ट्राटेक और रैमको सीमेंट दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम वीकली सेटअप को देखें तो ऑलमोस्ट सेटअप तो एक जैसे ही बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अल्ट्राटेक में एक अच्छा फॉलो अप बाइंग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख रहा है. तो हमें लगता है कि यहाँ पे तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो दिखाते हैं कि 6,800 से लेकर 7,000 तक की भी अपसाइड अल्ट्राटेक सीमेंट में आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है. तो व्यू तो बुलिश ही है इसमें भी. स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए हमने यहाँ पे अल्ट्राटेक की जगह रैमको को यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड किया. बट हमें लगता है पोजिशनली अगर किसी को होल्ड करना है तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है 6,800 से 7,000 तक के अपसाइड के लिए. स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 6,250 के आसपास. अल्ट्राटेक पे भी आपने लगाई है मोहर, और साथ ही आप कह रहे हैं कि रैमको सीमेंट भी ठीक है, और सीमेंट का प्ले ये विंडो खत्म हो गया जी, कि विंडो भी चल रही है? मेरे हिसाब से अभी हफ्ता 10 दिन चलेगी, अभी हफ्ता 10 दिन चलने वाली है विंडो ये.